Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. और आज हम बात करने वाले हैं अपने 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की. पैटर्न, प्रोफार्मा सब कुछ सेम रहने वाला है. और आपको पहले 30 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमारे स्टडीज के. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. हमारा मोटिवेशनल कोट क्या होने वाला है एक बार देखते हैं. चलिए, तो मोटिवेशनल कोट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है. देखें, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ आपसे वही बात यहाँ पर कही गई है, कुछ नया नहीं है. बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल. हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए. हमें हमेशा अपने आप को बेस्ट समझना चाहिए. हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ ना हो, हमारी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस भी होंगी, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हमें बिलीव करना होगा. हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है लॉन्ग टर्म देखने की, अपने ऊपर बिलीव करने की. तो ये जो जितने भी ऑब्स्टिकल हर्डल्स आते हैं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं होंगे. तो जो हमारे अंदर है हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए और उस पर बिलीव करना चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए. आई थिंक ये सब आप जानते हैं. शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ. हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिए. क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? इंडिया इज एमिंग टू जनरेट 40% पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय विच ईयर. यानी कि आप बात समझ रहे होंगे, यहां पर जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है. तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल. तो आपको इसका आंसर देना है, और यहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है. सही आंसर आपको चूज करना है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक नारा दिया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड. क्यों दिया था? क्योंकि हमारा टारगेट है 2030 तक जो भी एनर्जी हम यूज करते हैं उसका 40% हम बेसिकली सोलर पावर से जनरेट करना चाहेंगे. इसीलिए इंडिया इंटरनेशनल सोलर एलियंस को लीड कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नारा वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इसीलिए दिया गया. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने आंसर दे दिया 2030. मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे. कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन हाईलाइट तुरंत दिखा दिया करिए, ठीक है, आंसर देते हैं. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं. यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, कैनाडाई कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी का सबसे बड़ा चित्र बनाने के मामले में भारत की रैंक क्या है? रैंक अकॉर्डिंग टू कैनेडियन कैंसर सोसाइटी रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट पिक्टोरियल वार्निंग ऑन सिगरेट पैक्स? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको इंडिया की रैंक बतानी है. आउट ऑफ 206 कंट्रीज, 206 देशों में इंडिया की रैंक क्या है ये आपको बतानी है, और आंसर आ रहे हैं 5वीं रैंक. तो 5वीं रैंक की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर है. इंडिया 85% इमेज कवर करता है सिगरेट के डिब्बों में, और पहले नंबर पे कौन सा देश है शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा. तो फर्स्ट नंबर पे है टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्टे इंडोनेशिया के बगल में कंट्री है. दूसरे पे है नेपाल, तीसरे पे है वेनुआटुओ, और चौथे पे है न्यूजीलैंड, पांचवे पे है इंडिया विथ हांगकांग एंड थाईलैंड. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, आंसर आप दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया यहां पर. देखिए, यहां पर भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल सून बी ओपन्ड इन विस सिटी. बात हो रही है गंगा रिवर की. गंगा रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती थी इनके पॉपुलेशन में तेजी से गिरावट आ रही है, तो इस पर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर ओपन किया जा रहा है. कहां पर, और इसका आंसर क्या है? पटना. तो पटना इज राइट आंसर, पटना बिल्कुल सही आंसर है. और ये इंडिया का नहीं, ये एशिया का पहला सेंटर होगा, एशियाज फर्स्ट सेंटर इन पटना फॉर डॉल्फिन. ठीक है, डॉल्फिन. तो यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निष्पादित शहर की द्रव्यवती नदी कायाकल्प परियोजना का उद्घाटन किया है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सिटीज द्रव्यवती रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट एक्सक्यूटेड बाई टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा. ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 1676 करोड़ रुपीज का होगा, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे, और आंसर क्या होगा? राजस्थान. तो राजस्थान इज राइट आंसर. टोटल कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है 1676 करोड़. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. चलिए, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. देखिए,
हाल ही में रूस के इगोर अकिनफेव ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस खेल से संबंधित थे? रशियन इगोर अकिनफेव रिटायर्ड रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? कल हम लोगों ने बात की थी ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर की, और आज फिर से हम एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे हैं जो रशिया से बिलोंग करते हैं, और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या है? देखो, ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, और ये फुटबॉल की बात करें तो ये रशियन गोलकीपर भी थे, गोलकीपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्पोर्ट्स, और कौन सा? फुटबॉल। तो फुटबॉल इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइडर ऑथमे आईडी सर्विस का अधिग्रहण कर लिया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑथमे आईडी सर्विसेज? हमारे पास चार ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। एक बात समझ लें यहां पर कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ओपन करना चाहती है, और इसका आंसर क्या होगा? भारती एयरटेल, ऑप्शन नंबर 2। तो भारती एयरटेल की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, एयरटेल डेवलप कर रहा है अपना एक एयरटेल एक्स लैब बेंगलुरु में, एयरटेल एक्स लैब बेंगलुरु में, जहां पर ऑथमे आईडी के जो एम्प्लॉयज हैं वो रखे जाएंगे। यानी एयरटेल जो है ये अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड बनाने के लिए एक सेंटर ओपन कर रहा है, इसका नाम क्या होगा? एयरटेल एक्स बेंगलुरु में। तो पूरा आंसर मैंने आपको यहां पर दे दिया। मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मतलब पढ़कर नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी आए हैं तो आपको इंफॉर्मेशन हमने यहां पर दे दी है, भारती एयरटेल, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए, हाल ही में कौन सा बैंक है जो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी 51 ब्रांचों को बंद कर देगा जो लॉस में चल रही हैं? विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ 51 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री एज पार्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग मेजर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री? और हमारे सामने चार ऑप्शन है, और सही आंसर आपको चूज करना है। ये वही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरे कंट्रीज में अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए 51 ब्रांचेस को बंद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। चलिए, पहले फेज में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के 140 डिब्बों को अपग्रेड करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? In English, name the project launched by Indian Railway to upgrade 140 rakes of mail / express train in the first phase. इसमें क्या changes किए जाएंगे? मैं आपको information दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए, स्वच्छ रेल टॉयलेट implement किए जाएंगे, LED light, Braille signage होंगे, और फायर extinguisher होंगे। तो सही आंसर क्या है ये आपको बताना, और आंसर आ भी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट को लॉक कर दे, मतलब टोटल 140 डिब्बों को चूज किया गया जो अपग्रेड किए जाएंगे रेलवे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। एक बुक की बात यहां पर हो रही है, क्या है? पायजामा और फॉरगिविंग किताब के लेखक का नाम बताया जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। Name the author of the book Pajamas Are Forgiving that was launched recently. और आपको इसका आंसर देना है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट क्या है कि ये एक्ट्रेस हैं, लेडी हैं, और आपको इसका आंसर देना है। आप बोलेंगे सर ये तो सभी एक्ट्रेस हैं, सभी लेडी हैं, तो इसका सही आंसर आ रहा है ट्विंकल खन्ना। तो ट्विंकल खन्ना इज राइट आंसर, ट्विंकल खन्ना की ये फर्स्ट नॉवल है जो कि लॉन्च हो गई है। आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रहती है और याद भी रहती है, आपके इंटरेस्ट की बात होती है। चलिए, बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि अगेन स्पोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट का एक मिक्स है। आप देखिए यहां पर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? हु हैज बीन नेम्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ? और यहां पर आपको 5 आंसर देने हैं, सही आंसर क्या होने वाला है? देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो रिप्लेस हुए हैं, वो रिप्लेस हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और इसका आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या है, अभी तक आंसर आने शुरू नहीं हुए, और इसका आंसर है केविन रॉबर्ट्स, केविन रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो केविन रॉबर्ट्स ने जेम्स सरलैंड को क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करने जा रहे हैं, 11वां क्वेश्चन। नेम द एथलीट हु हैज बीन नेम्ड एज द इवेंट एम्बेसडर फॉर द एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन दैट विल बी हेल्ड ऑन 21st अक्टूबर 2018।
हिंदी में, उस एथलीट का नाम बताएं जिसे एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको उसका सही आंसर देना है। ये जो लेडी है ये अमेरिका की फास्टेस्ट वुमेन मानी जाती हैं, और इनकी बात करें तो इन्हें 4 times गोल्ड मेडल मिला है, 4 times ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। और आपको सही आंसर चूज करना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सानिया रिचर्ड रोस, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, अमेरिका की धावक हैं। मैंने क्या बोला? अमेरिका की फास्टेस्ट वुमेन ये मानी जाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सानिया रिचर्ड रोस। बहुत लोग हिमा दास दे रहे हैं आंसर, नहीं, सानिया रिचर्ड रोस इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसके इंटरिम CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? इंटरिम का मतलब शॉर्ट टर्म, और वैसे भी ये केवल 3 महीने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज टेकन चार्ज एज इंटरिम CMD? CMD मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। हमारे सामने 5 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, और सही आंसर क्या होगा? जो भी आंसर होगा, ये अभी राइट नाउ MSME ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है, इसमें ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और सही आंसर आप दे रहे हैं सुधीर गर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो ये 3 months के लिए अपॉइंट किए गए हैं, इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने हम जा रहे हैं। चलिए, 1 अक्टूबर 2018 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में UNHCR से 2018 नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? In English, who received Nansen Refugee Award from UNHCR in Geneva, Switzerland? आपको इसका सही आंसर देना है। ये साउथ सूडान के सर्जन हैं, ये साउथ सूडान के सर्जन हैं जिन्हें UNHCR ने अवार्ड दिया है, नानसेन शरणार्थी अवार्ड। और इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। मोहम्मद असुफ, आपका 22 को रेलवे है, आपको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करिएगा। और यहाँ पर संदीप दास का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर इवन अटार अडाहा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है गाइस, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात आपसे हम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहां पर, 3 अक्टूबर 2018 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉप टैक 2018 चेन्नई तट से शुरू किया गया था? In English, the joint exercise Sahyog Hoptech 2018 commenced off Chennai coast. यानी चेन्नई कोस्ट में हुआ, ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। On 3rd October, between India and which country? ये आपको बताना है। Question number 14 की बात कर रहे हैं, For maritime safety and security, और यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं वियतनाम। तो बेसिकली ये कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज था, ये कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं था। कहाँ पर हुआ? चेन्नई कोस्ट पर हुआ, हमारे जो मैरीटाइम है, जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो आपके सामने यहां पर है। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 23rd स्टेट टू बिकम ओपन डिफेक्शन फ्री इन इंडिया ऑन 3rd अक्टूबर 2018? 3 अक्टूबर 2018 को किस राज्य को देश का 23वां राज्य घोषित किया गया है खुले में शौच मुक्त? आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, एक बार देख लीजिएगा। यहां पर 5 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये 5वां नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगा जो ओपन डिफेक्शन फ्री हुआ है, और इसका आंसर क्या है? मणिपुर। तो मणिपुर इज राइट आंसर, चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में 5वां स्टेट है और हमारे देश का 23वां स्टेट है। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, 23rd नॉर्थ ईस्ट में 5वां, ये सब आपको लर्न करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। चलिए, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में नए मेंबर रोलिंग स्टॉक लिखा है और भारत सरकार के पदेन सचिव का पदभार संभाला है? In English, recently who taken charge as the new member railway board and ex officio secretary to the government of India? हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या देना है, ठीक है। नवीन शर्मा जी बोल रहे हैं हमारे शो को लाइक कर दे गाइस, तो हाँ लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुम लोग काफी कम लाइक करते हो, कंजूसी इसमें करते हो। और यहां पर पल्लवी बता रही है नजमा हेप्तुल्ला गवर्नर, ठीक है, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अग्रवाल जी, मतलब राजेश अग्रवाल। तो राजेश अग्रवाल जो है ये नए मेंबर बने हैं आपके रेलवे बोर्ड में, और साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं आपसे। ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का स्थायी कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? स्थायी क्यों? क्योंकि अभी ब्राजील में जो कैप्टन बनते थे वो रोटेशन बेस्ड बनते थे,
लेकिन अब परमानेंट कैप्टन ब्राजील को मिल गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट कैप्टन ऑफ ब्राजील नेशनल फुटबॉल टीम। ये जो प्लेयर हैं ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फुटबॉलर हैं, और आपको इसका आंसर देना है। और आंसर यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, बिकॉज ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बात फुटबॉल की हो रही है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इसका आंसर है नेमार। बिल्कुल सही आंसर, नेमार ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लॉक कर दें, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कौन से बैंक ने अगले 12 महीनों में अपने आप को प्लास्टिक मुक्त संगठन बनाने का वचन दिया है? ठीक, ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्लेस टू बिकम अ प्लास्टिक फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट 12 मंथ। आपको इसका आंसर देना है, सही आंसर क्या होने वाला है देख ले यहां पर। प्लास्टिक फ्री अगले 12 महीनों में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे हैं, तो मतलब आपने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम करने जा रहे हैं आपसे। देखिए, गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण की सीमा को कितना बढ़ाया है? The government has enhanced the loan limit for micro, small and medium entrepreneurs to over what amount under the Prime Minister Employment Generation Program? इसका आंसर देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले हमें देखने में लगता है कि मतलब नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, बिकॉज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है जो हमारे कंट्रीज के प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, 10 लाख में क्या होता है बेटा, इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है अगर आप कोई माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस का एक कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, 1 करोड़ रुपीस सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। चलिए, सितंबर 2018 में जीएसटी के तहत कुल कितनी रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया था, यह क्वेश्चन है। द टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन सितंबर 2018 रिमेंड एट। सितंबर महीने की बात हो रही है, जीएसटी से कितना कलेक्शन आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन है और सही आंसर क्या है। दीपक शर्मा जी, आपकी पहली क्लास से आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे शो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो यहां पर 5 ऑप्शन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दें। रोहित सिंह, आपका आंसर गलत हो गया बेटा, और इसका आंसर क्या है, हाँ, बैंकिंग क्लास आपको मंडे से मिल जाएगी, या तो मंडे से या तो ट्यूसडे से। अल्टरनेट डेज पे क्लास होगी विथ इंग्लिश आपकी। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 94,452 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो एक दिन मैं और एक दिन नितिन सर जो हैं वो आपकी अल्टरनेट डे पे क्लास लेंगे। ठीक है, तो आपको मंडे से या ट्यूसडे से क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी। चलिए, और ये राइट आंसर है, लॉक कर दीजिए, 5वां ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम करते हैं। चलिए, 4 अक्टूबर 2018 को किसे स्पेन में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? Who has been appointed as India's ambassador to Spain on 4 October 2018? हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर आपको चूज करना है। जिनका भी फर्स्ट क्लास है सबको मोस्ट वेलकम यहां पर, सब लोग यहां पर आए, रॉकस्टार बने, धमाल मचाएं। अब मैक्सिमम बच्चों का आज का पहली क्लास है, हाँ, चलो आंसर दो, बड़े तुम लोग शैतान हो। हाँ, ले लेंगे, क्लास मिल लेगी, सबकी क्लास मिलेगी आपको। चलिए, और इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर है संजय वर्मा। तो संजय वर्मा इज राइट आंसर, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास आपके लिए। देखिए, इसके साथ अरिंदम बागची को क्रोशिया का भी राजदूत अपॉइंट किया गया है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि चंदा कोचर ने रिजाइन दे दिया है आईसीआईसीआई बैंक से, तो उनकी जगह पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किया गया है? ये वही पर्सन है जो कि आईसीआईसीआई बैंक में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और अब क्या बन जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, देख ले यहां पर, बहुत सिंपल है। ये जो पर्सन है, 1986 में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था, इसका आंसर आप दे रहे हैं, इसके अंदर संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी फेडरल बैंक पर कितने अमाउंट की पेनाल्टी लगा दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों को न मानने के लिए? आरबीआई कहना यह है कि अभी तक फेडरल बैंक ने अपने लार्ज बोरोवर, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया हुआ था और वापस नहीं किया है, उसे एक्सपोज नहीं किया है, और साथ ही साथ जो एटीएम ट्रांजेक्शन में जो पैसे फंसते हैं उसमें भी इनका जो ऑपरेशन है काफी डीले है। तो इन सब वजहों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
इस बैंक पर पेनल्टी लगा दी है, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अभी हमने बात की थी कि करूर वैश्या बैंक पर भी पेनल्टी लगी थी और आज हमारा नेक्स्ट बैंक यहाँ पर आंसर है 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ इज राइट आंसर, आप लोग को पता है, वेरी गुड फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। 36 नेशनल गेम्स की हम बात करें तो ये नेक्स्ट ईयर 30th मार्च टू 14th अप्रैल तक होस्ट किया जाएगा किस स्टेट में, ये आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द 36 नेशनल गेम्स बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 30th टू 1st अप्रैल। आप यहां पर देख डेट आप जरूर याद करें, मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, 36 नेशनल गेम्स होंगे किस स्टेट में, ये आपको बताना है। आंसर इज गोवा। तो गोवा सही आंसर है। गोवा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम होस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी है वो गोवा के किस स्टेडियम में होगा, ये भी सुन लीजिए, पी जे एन स्टेडियम में ये होस्ट होगा, ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात हम करने जा रहे हैं। आई थिंक सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। When is the World Teachers Day, also known as International Teachers Day, held annually? World Teacher Day या फिर International Teacher Day जो है वो किस दिन celebrate किया जाता है? I think आप लोग इसका answer जानते होंगे। तो अगर आपको इस बार की थीम पता है तो वो बताइए, और ये World Teacher Day को कौन सा organization celebrate कराता है हर साल, ये भी आपको बताना है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनेस्को है, ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। आप अगर थीम पता है तो थीम बताइएगा मुझे, ठीक है। हाँ नीतीश चौधरी, समझ रहे हैं बेटा, हंस लो। हाँ थीम पता है तो वो बताइए मुझे। द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू अ क्वालिफाइड टीचर, बहुत बड़ी थीम है अपने आप में। टीचर बनना भी अपने आप में कहते हैं ना कि आपको पहले राइट नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप बच्चों को कुछ बना पाओगे। तो ये अपने आप में लर्निंग सिस्टम जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, हम आपसे सीखते हैं, कहीं ना कहीं आप भी हमारे टीचर होते हैं। तो आप लोगों को भी हैप्पी टीचर डे, हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। चलिए 4 अक्टूबर को डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? हालांकि ये रीअपॉइंट हुए हैं और ये हमारे देश के तीसरे डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तीसरे, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है। और मेरे ख्याल से अभी बच्चे आप लोग आपस में बात कर रहे थे तो डिस्कशन में मैंने क्वेश्चन देखा अभी था आपका, इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर है आर एन रवि इज राइट आंसर। और आर एन रवि क्या है, ये चीफ भी हैं, चीफ है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के ये चीफ भी हैं, ठीक है। और ये तीसरे हमारे क्या है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है, वेरी गुड फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं और फिर अपने क्वेश्चन नंबर 27 की बात हम करने यहां पे जा रहे हैं। चलिए फोर्ब्स की वार्षिक इंडियाज रिचेस्ट 2018 सूची में भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? आपको पता होगा, अगर आपको दूसरे और तीसरे रैंक के पर्सन का नाम पता हो तो कमेंट में जरा मुझे बताएं, ठीक है। तो सबसे रिचेस्ट की बात यहां पर हो रही है, क्या इसका आंसर होगा? सबको शुक्रिया जो लोग मुझे विश कर रहे हैं, आपको भी मैंने विश किया है। चलिए, और आंसर इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 47.3 बिलियन डॉलर के साथ नंबर एक के सबसे धनी इंसान है। अगर नंबर टू की बात करें तो अजीज प्रेम जी जो है आपके विप्रो के मालिक, वो टू बिलियन अमाउंट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और सबसे टॉप गेनर की बात करें तो कौन है आपके, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, ये टॉप गेनर में है, मतलब जिन्होंने बड़े अच्छे से रिकवरी की है, गेन किया पैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की आपके स्क्रीन पर, ये रहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन अक्टूबर 2018। और हमारे पास 5 ऑप्शन है, सही आंसर आपको चूज करना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। अभी आपने रेलवे के एग्जाम में देखा होगा कि काफी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्वेश्चन आए, तो जिन बच्चों का अभी एसएससी जीडी है या जिन बच्चों का अभी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर क्या है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या है, आंसर इज हिमाचल प्रदेश। कंप्यूटर जी जरा साइन कर दें, हाईलाइट कर दें, आंसर इज हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल सेफ्टी अवार्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट?
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनी ही है, यानी ये ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए अवार्ड था। और सेफ्टी का मतलब आप यहां पे समझ चुके होंगे, तो सही आंसर क्या होगा। वैसे इस कंपनी को 2016 के लिए ये अवार्ड दिया गया है, और इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर इस मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी को अवार्ड मिला है नेशनल सेफ्टी अवार्ड। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट, और आगे बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अभी स्टैटिक की बात बाकी है। बहुत सारे बच्चों कमेंट मेरे पास आए कि सर जो प्रीवियस वर्जन था, मतलब जो आप स्लाइड के बाद एक्सप्लेनेशन देते थे, हम वो सारे काम करेंगे जो आपके बेनिफिट के लिए होंगे। थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा टाइम दें, हम चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, हम सिस्टम को ला रहे हैं ताकि हम एग्जैक्टली और अच्छे से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। हम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते हैं बेटा कि हम आज शुरू करें कल खत्म कर दें। तो सिस्टम ऑलरेडी डन है, थोड़े दिन बाद आपको सब कुछ मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट इस पर मिल जाएंगे टॉपिक्स, और मैं आपको वहां पे आंसर्स भी हाईलाइट करूंगा अपने से, आप देखिएगा थोड़ा दिन, ठीक है? तो परेशान मत होइए, आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा लास्ट क्वेश्चन। 4 अक्टूबर 2018 को देश में अक्षय ऊर्जा नवाचारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ भारत ने 2 एग्रीमेंट पे साइन किए। अब देखो बात क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब सोलर पावर। तो इंडिया का किस कंट्री के साथ सोलर पावर में सबसे बड़ा डील चल रहा है अभी, किन दो लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला, चीजों को जोड़िए, आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। और आंसर क्या है यहां पर, आंसर इज फ्रांस। बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस। तो इंडिया का फ्रांस के साथ क्या हुआ है, 2 एग्रीमेंट पे साइन हुआ है जो आपको दे दिया गया, और बेसिकली सोलर ग्रिड सोलर पैनल इनके लिए ही इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? चलिए तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे, और हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने 10 स्टैटिक जे क्वेश्चन पे। लेकिन उसके पहले एक स्लाइड आपके सामने आएगी। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। वही बात हो रही है, पॉजिटिव एक्शन के साथ पॉजिटिव थिंकिंग। इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार की बात है, मैं इंटरव्यू में गया था मैनकाइंड, मैं मार्केटिंग से हूँ, तो वहाँ पर क्या था, मेरे नेल्स थोड़े बड़े हुए थे। मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ इंसिडेंट है। तो सरदार जी से मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, सरदार जी ने मुझसे पूछा कि योर स्ट्रेंथ, तो मैंने बोला सर माई पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे नेल्स बड़े हुए हैं, तो तुम्हारा ये कैसे ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। तो मेरे पास उस समय सैमसंग का फोन था, तो मैंने कहा सर अपना फोन देना। तो सैमसंग के फोन में क्या होता है कि यहां पर राइट यहां पर क्या होता है, खांचा होता है, उसे आप तुरंत खोल सकते हो। तो मैंने बोला सर मैं आपसे जल्दी से खोल सकता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी आप भी इंटरव्यू में जाइएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, मुझसे पूछिएगा कैसे आंसर देते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले स्टडी क्वेश्चन पे। यहां क्या पूछा गया है, सिंपल सा पूछा गया है, सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे, लखनऊ में है। सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए विनय सोनी, लोग निगेटिव नहीं है, आप निगेटिव है कि नहीं पहले यह बताए, लोगों को निगेटिव क्यों सोचते हो। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 1990 इज राइट आंसर। हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, लखनऊ में है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, कौन सा राज्य लिग्नाइट के उत्पादन में सबसे आगे है। हम यहां पर बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की, लिग्नाइट की बात यहां पर हो रही है। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। शाजिया नाजी, आप लखनऊ से हैं, नवाबों के शहर से हैं, लखनऊ बहुत बढ़िया शहर है। चलिए और आंसर आपको क्या देना होगा, और इसका आंसर क्या है, लिग्नाइट की बात यहां पे कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करो बेटा, क्या इसका आंसर होने वाला है। और यहां पर आंसर अभी तक नहीं आए हैं, लोग बड़े खुश हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, आंसर दें यहां पर। अरे मोतीलाल जी, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूं ना बेटा, और इसका आंसर है तमिलनाडु, लिग्नाइट तमिलनाडु, जोड़ दो ट ट, लिग्नाइट तमिलनाडु, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। यहां पर आज का स्टैटिक अवेयरनेस बहुत सिंपल है, और जिनको आंसर्स नहीं पता है उन्हें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। पूछा गया टिहरी डैम जो है वो किस स्टेट में है, टिहरी डैम किस स्टेट में है। पूरे वर्ल्ड का 10वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध आपको पता है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा, और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। टिहरी डैम की बात कर रहे हैं, रिवर कौन सी है, भागीरथी रिवर है। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा यहां पर।
आंसर आ गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सही आंसर है। टिहरी डैम कहाँ पे? उत्तराखंड में है, भगीरथी रिवर है, जो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। हाँ, जॉब मिल गई थी आज तक, मतलब आप लोग की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि इंटरव्यूज़ में कभी कोई मतलब छाटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। मार्च में ये मिलता है। चलो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मार्च के, मार्च में ही होता है। मार्च की ट्रिक भी है, 8 वुमेन की, 9 किडनी, 15 कंज्यूमर को, इस तरह हमारी ट्रिक होती है। आप समझदार हो, आंसर दे दो यहाँ पर। मार्च में है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। देखते हैं किसका पहला आंसर आता है यहाँ पे। रोहित सिंह ठीक है, बिल्कुल सही है। अमीश जी बिल्कुल सही है आंसर। करीम जी बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर है 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो कि नेशनल पार्क पे क्वेश्चन है। देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, मतलब बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है। जरा सा मेरा नेशनल पार्क का वीडियो देख लो बेटा तुम लोग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देखिए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 1 तो अधिकतर लोगों ने देखा है, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा ही नहीं है। देख लो बेटा, एक बार में याद हो जाएगा सब चीज़। तो बांदीपुर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही रोहित बेटा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कर्नाटका। बिल्कुल सही, कर्नाटका इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत सिंपल, लावनी एक स्टेट का फोक डांस है फेमस, वो स्टेट कौन सा है? लावनी, लावनी कौन से स्टेट का फोक डांस है, ये आपसे पूछा गया है। कई बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिला है, बहुत सिंपल है। और जो लोग एसएससी जीडी क्लास की डिमांड कर रहे थे, मंडे से आपको वो क्लास मिलने वाली है। हम सारे एग्जाम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, और इसका आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र, याद कर लो बेटा, लावनी महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत सिंपल, अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अस्ताना किस देश की राजधानी है, यह आपसे पूछा गया है। कई बार हमारे करंट अफेयर शो में हमने इस बात पे जिक्र किया है, अस्ताना के किस कैपिटल, अस्ताना जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताएं बेटा क्या इसका आंसर होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुरेश बोल है, मैन आई डोंट नो, ठीक है, आप जान जाएंगे, आप शो देखिए हमारा बेटा, आप रेगुलर देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ याद ऐसे ही लगा यहाँ पे। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं तजाकिस्तान बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर जरा बच्चों को आंसर दिखाएं और देख लें आंसर यहाँ पर क्या है, आपके सामने आंसर हाईलाइट हो गया होगा, याद कर लो ये सब चीज़ें यार, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आगे बढ़िए और बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज हैज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपसे पूछा गया है। अगर SCO की बात करें तो 1996 में इसे बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, ठीक है। तो इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं, ये आपको बताने हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान सबसे नए मेंबर इसके हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 मेंबर। बिल्कुल रविश, बिल्कुल सही, 8 मेंबर्स हैं SCO में, ठीक है, 8 मेंबर्स। जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8, 9, 10, 11, 12 मेंबर्स हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। तो सार्क हो जाए, एशियान हो गया, ओपेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, इस्बा हो गया, G7 हो गया, इनके मेंबर कंट्रीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहां पर इसरो का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ISRO। कई बार हमारे करंट अफेयर शो में हमने इस पर बात की है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट डेज की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ही इतनी बड़ी होती है कि इससे अच्छा याद कर लो ऐसे ही। ट्रिक्स होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स होती हैं। आप जाएं ना हमारे गूगल, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, हर जगह हम लोग ट्रिक्स को अपडेट किए हुए हैं। हमारे ब्लॉग पर जाएं, टेस्टबुक के ब्लॉग पर जाएं, टेस्टबुक के फेसबुक पेज पर जाएं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी टीम हमारी है जो उस पर काम करती है। और इसका आंसर बेंगलुरु, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइज मनी गिवन बाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्राइज मनी कितनी होती है, यह आपसे पूछा गया है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको और जाननी चाहिए, यह हमारे देश में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है। चलिए आंसर दें यहां पर, और इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है ये हमारे देश में, और इसका आंसर क्या होगा यहां पर अभी तक सही आंसर नहीं आए हैं।
हाँ बिल्कुल वर्षा जी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, 7.5 लाख. तो 7.5 लाख इज राइट आंसर. बिल्कुल बढ़िया मचाया आप लोगों ने, धमाल मचा दिया, रॉक स्टार हैं आप लोग. और वैसे भी स्टैटिक के क्वेश्चन आज बहुत इजी थे. तो ये था हमारा सेशन, इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई आज की, 40 क्वेश्चन कंप्लीट. हम कल फिर मिलेंगे 40 क्वेश्चन के साथ. तो मंडे से आपका टाइम टेबल, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं टाइम टेबल, तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो ऊपर आपको टाइम टेबल दिखता है, तो टाइम टेबल पूरा नोट कर लें. मंडे से आपको एसएससी जीडी क्लास भी मिलेगी, रेलवे की मिल रही है, बैंकिंग की भी मिलेगी और एसएससी की मिलेगी, सारी क्लास आपको मिलने वाली है. ठीक है, चलिए तो अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए. हम कल फिर मिलेंगे 7:30 पर. आइए धमाल मचाइए, क्योंकि आप रॉकस्टार हैं. लाइफ में आपको हमेशा रॉक करना है. इंसान हमेशा दो तरह का होता है, एक जो हमेशा फॉलोअर होता है और एक जो हमेशा डोमिनेट करता है. आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? क्या हमेशा फॉलोअर बनना है? क्या हमेशा आपने लोगों के लिए क्लैपिंग की है? क्या आप नहीं चाहते आपके लिए क्लैपिंग हो? कितना मजेदार क्षण होने वाला है वो, जब आपके पास मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया. आप घर में बताओगे, सोचिए ये सब, है ना? तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जिद है तो जिद है जी. आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम वॉट आई एम. दोस्तों हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए. मिलते हैं कल आप लोगों से. गुड नाइट.